चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट हेनरीज लॉ का फोर्थ न्यूमरिकल और इस चैप्टर का 79th. 79th न्यूमरिकल में कहा है द सोल्युबिलिटी ऑफ इथेन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.92 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर डीएम क्यूब. तो मैं गिवन में यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, आपको सोल्युबिलिटी दिया है. तो सोल्युबिलिटी ऑफ किसका? इथेन का. इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 और ये गैस, ठीक है. एट 25 डिग्री सेल्सियस तो लिखने की जरूरत नहीं है. सोल्युबिलिटी दिया आपको, S लिखता हूँ मैं, ये है 0.92 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम पर डीएम क्यूब में. अब इसके पहले के वीडियोस में हमने पढ़े है ना, जैसे फर्स्ट न्यूमरिकल में पढ़ा था, अगर आपको अगर याद होगा तो फर्स्ट या सेकंड न्यूमरिकल में हमने पढ़ा था कि ग्राम पर डीएम क्यूब अगर आपको दिया है तो उसे हमें कन्वर्ट करना है मोल्स पर डीएम क्यूब में, ठीक है. हमने ये शायद सेकंड वीडियो में देखा था उसका, उस सेकंड वीडियो में आप ये देखिए कि हमने कन्वर्ट कैसे किया था. ग्राम पर डीएम क्यूब को हमने मोल्स पर डीएम क्यूब में जब कन्वर्ट किया था तो उसमें हमने किया था यहाँ पे 0.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय जो भी आपको गैस दिया है उसका मोलर मास, हमने उसको डिवाइड में लिखा था. जैसे आपने मोलर मास को डिवाइड में लिखा तब जाके आपका ये सोल्युबिलिटी का आंसर मोल्स पर केजी, मोल्स पर डीएम क्यूब में आएगा, ठीक है. इतना ध्यान में रखिए. तो 0.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जो ग्राम है ये वेट दिया है आपको इथेन का, तो इथेन का मोलर मास लिखना है. इथेन का फॉर्मूला क्या है? C2H6. एक कार्बन का मास कितना है? 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 6 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का मास 1 है. 12 टू जा 24 प्लस 6 ये तो 30 होता है, ठीक है. तो न्यूमरिकल तो कैलकुलेशन आसान हो गया, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30. तो ये आपका आंसर जो भी आएगा वो आएगा मोल्स पर डीएम क्यूब में. अब मैं ये डिजिट को शिफ्ट कर देता हूँ तो 92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 30. चलो अभी 30 का टेबल तो आसान है, 90 में क्या होता है, 30 3 90 हो जाएगा तो 3. यहाँ पे 2 बचते हैं तो ये अगर 20 हो गया तो ये आएगा 0. इसके बाद में 23 6 है ना, 3.06 आता है इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. तो ये आ गया सोल्युबिलिटी, यूनिट रहेगा मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है. तो जो आपको सोल्युबिलिटी ग्राम पर डीएम क्यूब में दिया है तो वो ग्राम पर डीएम क्यूब के वैल्यू को आप मोलर मास से डिवाइड कीजिए तब आपका आंसर मोल्स पर डीएम क्यूब में आ जाएगा. इतना ध्यान में रखना, राइट, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, एट 1000 mmHg प्रेशर, यानी आपको प्रेशर दिया है. मैं यहां लिखता हूं प्रेशर ऑफ C2H6 गैस, इसे हम डिनोट करते हैं P से और ये दिया है 1000 mmHg. बट जैसे कि हम चाहते हैं कि मोल्स पर डीएम क्यूब में आया है आंसर आपका सोल्युबिलिटी का, तो KH यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू हम एटमॉस्फेयर में लाए, तो आपको क्या करना होगा, ये जो 1000 वैल्यू है इसको 760 से डिवाइड कर लो, है ना. तो 760 से डिवाइड करेंगे तो लॉग कैलकुलेशन करते हैं, 1000 का लॉग बताने की जरूरत नहीं है, 3.0000 760 के लॉग को आप माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 2.8808 को हम सब्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो आपका सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 1.1192 और एंटी लॉग आता है उसका 1.315. यूनिट क्या रहेगा? एटमॉस्फियर, ठीक है. तो ये प्रेशर भी आपने एटमॉस्फियर में कैलकुलेट कर लिया. नाउ कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं आपको फाइंड आउट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसे हम डिनोट करते हैं के एच से और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है. अब मैं यहां लिखता हूं हेनरीज लॉ इक्वेशन, बोलिए अभी हेनरीज लॉ इक्वेशन इज गिवन एज, कैसे लिखा जाता है, सोल्युबिलिटी इक्वल्स टू के एच इंटू पी. अब आपको के एच कैलकुलेट करना है तो पी को लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए तो ये हो जाएगा के एच इक्वल्स टू एस अपॉन पी. एस का वैल्यू कितना आया ये आपने फाइंड आउट किया, ये आया 3.06 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय ये जो पी है प्रेशर कितना आया 1.315, ठीक है. चलिए अब आपको क्या करना है, पॉइंट को शिफ्ट करने की जरूरत तो नहीं है, हम डायरेक्ट लॉग ही ले लेते हैं. तो 3.06 का लॉग आता है 0.4857, उस लॉग में से 1.315 के लॉग को सब्सट्रैक्ट करेंगे
सब्सट्रैक्शन का आंसर आता है 0.3668। देखिए 3.06 इसका लॉग आता है 0.4857, उस लॉग में से 1.315 के लॉग को हम सब्सट्रैक्ट करते तो 1.315 का लॉग आता है 0.1189। तो 0.4857 को 0.1189 से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 0.3668, और इसका जब एंटी लॉग देखते हैं तो ये आता है 2.32, ये हो जाएगा 10⁻¹5। ये आ गया के एच, यूनिट रहेगा एटमॉस्फेयर इनवर्स, मोल्स पर डीएम क्यूब। ठीक है, सही तरीके से सॉल्व कीजिए, लॉग कैलकुलेशन सही कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये है हमारा इस वीडियो का और इस हेनरीज लॉ के टॉपिक का सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं लास्ट वीडियो में हेनरीज लॉ का फिफ्थ न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।